मिर्जा गालिब की हवेली, जहां यादों के साथ ही बसती है उनकी शायरी भी। उर्दू शायरी के शहंशाह मिर्जा गालिब को जानना समझना हो तो एक बार गालिब की हवेली में जरूर जाएं। तो अब गालिब म्यूजियम बन चुकी है। मिर्जा असदुल्ला बेगहां गालिब ने अपनी जिंदगी को आखिरी रात बली मारान की इसी हवेली में काटी थी। पुरानी दिल्ली स्थित भीड़ भाड़ भरी संकरी सी गली में बना हुई है गालिब की हवेली। अंदर घुसते ही दीवारों पर न सिर्फ गालिब के अशार नजर आते हैं, बल्कि उनके समकालीन उर्दू के कई अजीम शायरों के चित्र और शायरियां भी दिख जाती हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्मे मिर्जा गालिब शादी के बाद दिल्ली आ गए थे और बाद में लगभग 9 सालों तक इसी हवेली में उनका निवास बना रहा। यहां रहने के दौरान उन्होंने उर्दू शायरी में एक से बढ़कर एक नगीने जोड़े। उसी दौरान उन्होंने उर्दू और फारसी में दीवान की रचना की। उनकी मृत्यु के बाद हवेली में साल 1999 तक बाजार लगता था और भी कई कारोबारी कामों के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा था। लंबे चौड़े क्षेत्रफल में फैली यह हवेली अपना वजूद ही खोने लगी थी। न जाने कितने नाजायज कब्जों के बाद आखिरकार लोगों को इस हवेली की सुध आई और तब साल 1999 के बाद सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। इसके बाद हवेली का पुनर्निर्माण कराया गया, जिससे मुगल सल्तनत की इस अनमोल धरोहर को इसके पूर्व रूप में वापस लाया जा सके। हवेली को अलग लुक देने के लिए मुगल लखोरी, ब्रिक्स, सैंडस्टोन और लकड़ी के दरवाजे का इस्तेमाल किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस इमारत का ऐलान विरासत के तौर पर किया है। बड़े से दरवाजे से होकर अंदर जाते ही सबसे पहले नजर आती है गालिब के संगमरमरी बुत पर, जिसके साथ उनकी कई किताबें भी रखी हुई हैं। गालिब और उनके परिवार द्वारा इस्तेमाल किए गए सामानों, बर्तनों और कपड़ों को शीशे के फ्रेमों में दिखाया गया है। इसके अलावा चौसर, शतरंज की बिसाते भी यहाँ मौजूद हैं। हवेली के बड़े से गलियारे में गालिब की आदमकद पेंटिंग है, जिसमें बेहू का पीते हुए दर्शाए गए हैं। हवेली की दीवारों पर गालिब और उनकी शायरियाँ उर्दू और हिंदी में नजर आ जाती हैं। गालिब के अलावा उनके समकालीन कई अन्य शायरों के चित्र भी यहाँ मौजूद हैं। इनमें मुख्य रूप से उस्ताद जौक, हकीम मोमिन खां मोमिन और अबू जफर हैं। गालिब की मूर्ति का उद्घाटन 2010 में किया गया था। इसे मशहूर मूर्तिकार रामपुरे ने बनाया है। हर साल 27 दिसंबर को गालिब के जन्मदिन के मौके पर यहां मुशायरे का आयोजन होता है। अवकाश सोमवार, एंट्री फ्री, फोटोग्राफी निःशुल्क, नजदीकी मेट्रो स्टेशन चावड़ी बाजार।